अब देखो यार, हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर से बात करते हैं और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हमारे वीडियोस पे कमेंट भी करते हैं कि हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है या हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है चैनल ग्रो करने में। और उन सब कमेंट्स को रीड करके और जो भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर से, हमने फाइंड आउट किया ऐसी 3 मिस्टेक्स जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं रेगुलरली, और इन शायद 3 गलतियों की वजह से शायद मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स जिनका कंटेंट अच्छा भी है उनको ग्रोथ नहीं मिल पा रही। तो अगर आप लोग भी इस क्रिएटर जर्नी पे और शायद चैनल पे सब्सक्राइबर गेन नहीं हो रहा या एज अ कंटेंट क्रिएटर आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो अपने चैनल का नेम और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। तो अब इन प्रॉब्लम्स या इन मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो पहला जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स चाहते हैं कि सारे प्लेटफॉर्म पे ग्रो कर जाए एक साथ, दे वांट टू ग्रो ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। और जनरली क्या होता है, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट करते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे कंटेंट पोस्ट करते हैं, कुछ लोग डिस्कॉर्ड और अदर चैनल्स ज्वाइन करते हैं। तो अब अगर आप सारी जगह एक साथ ग्रो करने की सोचोगे तो आपको रिजल्ट्स वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि बेटर रहेगा आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करो। अब सपोज आपको एक वीडियो क्रिएटर बनना है, आप अपना कोई स्किल सेट है जो लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, या कोई ऐसी नीश है जिसके अराउंड कॉन्टेंट बनाना चाहते हो एंड आपका जनरली जो कॉन्टेंट है वो लॉन्ग फॉर्म रहने वाला है, तो आप उसके लिए प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो जैसे यूट्यूब, और यूट्यूब पे आप रेगुलर कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। जब आपका वो प्लेटफॉर्म ग्रो हो जाएगा तो आपको अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी ट्रैक्शन मिलने लग जाएगा। अब सेकंड है, कुछ लोग यार इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं, वहां पे ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता है, और अगर आपको लगता है कि आप एंटरटेनर हो या आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हो तो आपके लिए इंस्टाग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहने वाला है। ऐसे जो गेमर्स है वो डिस्कॉर्ड सर्वर्स ग्रो करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग फील्ड में वो टेलीग्राम चैनल्स को ग्रो करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स है, बट आपको सोचना होगा कि आपका कंटेंट किस जगह फोकस्ड है एंड उस हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा एंड एक ही प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा। जब आपका एक प्लेटफॉर्म ग्रो हो जाएगा तो आप डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स को भी साथ में ग्रो कर सकते हो। अब सेकंड जो मोस्ट कॉमन रीजन या मिस्टेक मेरे को लगा वो है गेटिंग ओवरवेल्म्ड। मतलब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर से बात करके या कमेंट सेक्शन चेक करके हमें ये पता चलता है कि इस जर्नी पे स्टार्ट करने में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जब भी आप वीडियो बनाने का सोचते हो तो सोचने सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा लोग ओवरथिंकिंग करते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है। फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करना एक बहुत लंबा टीडियस प्रोसेस है कि मेरा कैमरा एंगल कैसा रहना चाहिए, माइक कौन सा यूज करूं, और फिर ये सारे इक्विपमेंट्स की टेंशन, और इसी स्टेप पे एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर की जर्नी भी रुक जाती है। बिकॉज़ मेनली वो कंटेंट क्रिएट करने पे फोकस नहीं करते, बट अदर चीजों से घबरा के दूर भाग जाते हैं। तो अब अगर आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो दैट मुझे भी एक आइडिया मिल सके और मैं उस पर एक वीडियो बना पाऊं जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। तो इसका बेटर सॉल्यूशन ये रहेगा कि आपको ज्यादा इक्विपमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, आपके पास स्मार्टफोन है और एक नॉर्मल माइक है, तो आप वीडियो शूट करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कैमरे के सामने बोलने में, बट वो फेयर आपका धीरे धीरे निकलेगा। एकदम एट द स्टार्ट अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो बना लूंगा, ऐसा नहीं होगा। आप स्टार्टिंग में गलतियां करोगे और गलती करना इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी है इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। आप कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट अपने कंटेंट के साथ इंप्रोवाइज करोगे, कुछ डिफरेंट तरीके से सोचोगे, अपनी क्रिएटिविटी यूज करोगे एंड धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिलेगी। थोड़ा स्लो प्रोसेस है लेकिन उस प्रोसेस में आपको मजा आएगा। तो ज्यादा सोचो मत और कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। और थर्ड जो मुझे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लगी इस क्रिएटर जर्नी में आप लोगों के साथ, वो ये है कि जनरली यार लोग ना सेम ही कंटेंट हर प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा कि वो हमारा कौन सा कंटेंट ग्रो कर सकता है। तो जनरली अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम फेसबुक की, वो जनरली यार एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है और वहां पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा ग्रो होता है। ये मैं एनालिटिक्स से समझ पाया हूं कि वहां पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज्यादा ग्रो होता है। तो अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो आपको वहां पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पोस्ट करना है। और बेटर रहेगा कि अगर आप यूट्यूब पे भी कंटेंट डालते हो तो वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को रीडायरेक्ट करे। बिकॉज अगर इस कंटेंट क्रिएशन को या फिर यूट्यूब को एज अ बिजनेस बनाना है तो आपको कुछ लॉयल ऑडियंस चाहिए जो आपके साथ कनेक्शन फील करे, और वो कनेक्शन जो बनेगा वो आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ही बनेगा। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का एक रीडायरेक्शन है आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को, एंड जब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से आपकी ऑडियंस बिल्ड होगी देन आप अपनी इस यूट्यूब जर्नी को एज अ बिजनेस बना सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है मेरे हिसाब से कि आप एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाते हो, उसका कुछ पार्ट जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट या एज अ रील आप इंस्टाग्राम फेसबुक या अदर प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट कर सकते हो। तो जो भी ऐसी ऑडियंस होगी जो उन प्लेटफॉर्म्स पे जिनको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है वो शायद आपका पूरा का पूरा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देख ले। तो ये कुछ ऐसी 3 कॉमन मिस्टेक्स थी जो मैंने फाइंड आउट करी है और इसका एक सॉल्यूशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि यार हाँ यार मेरे से भी यही गलती हो रही है और आपको ये सॉल्यूशन पसंद है कि हाँ यार मैं सॉल्यूशन फॉलो कर सकता हूं और शायद मेरी ग्रोथ अच्छी हो जाए एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं बट अभी उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बेल आइकन पर ऑल कर सकते हो, सो दैट फ्यूचर में जो भी कंटेंट क्रिएटर्स इकोनॉमी वेब 3.0 NFT मेटावर्स इससे रिलेटेड सारा कंटेंट यहां पे पोस्ट करता हूं तो आपको फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो बाय गाइस, दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ। वी हियर एट मनी ऐप आर हेल्पिंग क्रिएटर्स ग्रो।